का सरकार का खुद अस्थायी नीति नहीं है, सरकार ही नहीं रहती है तो आगे क्या करेगी किसी भी चीज को लेके। सरकार हमेशा बदलते रहती है और अगर रही भी तो कुछ काम तो करती नहीं है, करती भी है तो जैसे तैसे, कुछ पता नहीं चलता है। कोविड के नाम पे तो कितने सारे रिक्रूटमेंट रद्द हो गए। सरकार के पास वैकेंसी होते हुए भी परमानेंट उस वैकेंसी को कंटिन्यू नहीं कर पा रही है। जो भी वैकेंसी आती है वो किसी न किसी कोर्ट के या फिर किसी और उलझन के वजह से लटके रह जाती है। पूरा तरीके से बेरोजगार लोग हैं तो रोजगार के लिए कहीं भी जाना पड़ जाए, विदेश यात्रा भी कहीं ना करना पड़ जाए। जी, अब सरकारी में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है तो क्या करिएगा? कैसे नहीं ऑप्शन बचा, इतनी सारी वैकेंसी, इतनी सारी है बट आपका उतने सारे कंपटीटर भी हैं। रोजगार मेला में सैकड़ों की संख्या में छात्र जो हैं, अभ्यर्थी हैं, जो जिनके पास रोजगार नहीं है वो लोग पहुंचे हुए हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की नौकरी के लिए वो आए हैं और जॉब के लिए आए हैं। yes, क्यों ऐसे प्राइवेट मेला में आकर जॉब लेने की नौबत क्यों आए? क्योंकि सरकारी जॉब में इतना मारामारी है, सरकारी जॉब का इतना क्राइसिस है कि सरकार ठीक से वैकेंसी दे नहीं रही है, तो इसके चलते एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है जिसके चलते रोजगार की तलाश में कहीं भी आदमी प्राइवेट में सेक्टर में आ रहा है। कहाँ तक पढ़े हम तो? ये ग्रेजुएशन, यहाँ तो मिनिमम 12th है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिलेगी तो 15,000-20,000। नहीं, उसके मेरा टेक्निकल कोर्स भी है तो उसके थ्रू मैंने अप्लाई किया है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से झारखंड में बेरोजगारी बढ़ी, युवाओं को बहुत परेशानी हो रही है, उस पर क्या? ये तो बहुत चिंतनीय बात है क्योंकि सरकार के पास वैकेंसी होते हुए भी परमानेंट उस वैकेंसी को कंटिन्यू नहीं कर पा रही है। जो भी वैकेंसी आती है वो किसी न किसी कोर्ट के या फिर किसी और उलझन के वजह से लटके रह जाती है। इसके वजह से लोगों में और एम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ते जा रही है। प्राइवेट जॉब? जी, अब सरकारी में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है तो क्या करिएगा? कैसे नहीं ऑप्शन बचा, इतनी सारी वैकेंसी, इतनी सारी है बट आपका उतने सारे कंपटीटर भी हैं जो आप आज से नहीं 5-7-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका तो कुछ हो नहीं रहा है तो हम लोग क्या कर लेंगे तुरंत? इस मेले के बारे में कैसे? ये मेले को तो मैंने मल्टी मीडिया के थ्रू इसको देखा, एक्चुअली मैंने रजिस्टर्ड किया बट इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। क्या लग रहा है क्यों इस तरीके से मेले में आकर प्राइवेट जॉब के लिए मारामारी? नहीं, एक तरह से ये सही नहीं है बट क्या करिएगा, आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो क्या करिए, खाली भी तो नहीं बैठ सकते हैं, कितना दिन बैठिए, गार्जियन क्या बोलेंगे? कहाँ तक पढ़ाई? मेरा डिप्लोमा है अभी मैं मेडिकल में अभी आगे हायर एजुकेशन के लिए जुड़ा हूँ। जो भी परीक्षाएं झारखंड में आती है विवादों में आ जाता है, लटक जाता है, क्या इस पर क्या कहिए? मैं तो यही बोलूंगा, यहाँ का सरकार का खुद अस्थायी नीति नहीं है, सरकार ही नहीं रहती है तो आगे क्या करेगी किसी भी चीज को लेके। सरकार हमेशा बदलते रहती है और अगर रही भी तो कुछ काम तो करती नहीं है, करती भी है तो जैसे तैसे, कुछ पता नहीं चलता है। कोविड के नाम पे तो कितने सारे रिक्रूटमेंट रद्द हो गए, वैकेंसी आई भी तो उसका कुछ परिणाम नहीं मिला, जिसका हो भी गया बहाली तो उसका अभी लेटर नहीं दिया, पेंडिंग कर दिया, क्या फायदा हुआ? यहाँ के लोग यहाँ रह के बाहर जाने को मजबूर है। सरकार क्या कर रही है, कौन खुश है? जॉब के लिए? जी। क्या पढ़ाई की है, कहाँ तक है? इंटरमीडिएट। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे? फिर प्राइवेट की? सुमित कुमार मरांडी। प्राइवेट बस लगा हुआ था, देख लेते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से युवा इस रोजगार मेले में आकर प्राइवेट जॉब के लिए मारामारी जो चल रही है, क्यों ऐसा, नौबत क्यों आ रहा? क्योंकि जॉब की वैकेंसी बहुत कम निकलती, उसमें भी भरने वाले कई लाख रहते हैं, उसमें भी कंपटीशन कई ज़्यादा रहते हैं, तो हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? अभी तक किसी चीज़ का फॉर्म भरे हैं? आर्मी, एयरफोर्स। और झारखंड में जो परीक्षाएं आयोजित होती है उसका? नहीं, उसका भी भरते हैं क्योंकि मेरा एज नहीं हुआ था। जॉब के लिए आए? किस जॉब के लिए? आमदन प्राइवेट लिमिटेड का वैकेंसी था, उसी में हम लोग भरे हुए थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सैलरी होगी, 20,000-18,000, उससे ज़्यादा तो नहीं? तो सरकारी की तैयारी क्यों? मैम, सरकारी की भी तैयारी चल रही है पर जिस तरह से सरकारी का सिचुएशन देखें कि हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेल दिया जा रहा है, तो इससे और घर के भी सिचुएशन को देखें तो मतलब थोड़ा से मिडिल क्लास के लोगों के लिए, हम लोग के लिए दिक्कत हो जाती है कि हम लोग केवल पढ़ाई पे ही ध्यान रखे तो उस तरह से नहीं हो पाता है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि पार्ट टाइम मतलब जॉब भी कर सके और पढ़ाई को भी निरंतर चालू रखे ताकि हम लोग उसको भी हम लोग देखें। पर अब जिस तरह से सरकार की योजनाएं आती, सब चीज़ को प्राइवेटाइजेशन में कर दिया जाता है और फिर कॉन्ट्रैक्टिवल कर दिया जा रहा है, तो उस हिसाब से फिर हम लोग को दोनों तरफ टांग पसारने की ज़रूरत पड़ रही है। JPSC, JSSC वगैरह?
मैम अभी तक तो जेपीएससी की मेरी तैयारी नहीं है, हमारी तो मैम बैंकिंग की तैयारी है। इसमें मेले के बारे में मैम बाय एड आया था पेपर में, तो उसके माध्यम से लोग पता चला था, और 2020 में ही मैंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था इसके लिए। बेरोजगारी जिस समय हम बैठे हुए थे उस समय से हम रजिस्ट्रेशन कराए हुए थे कि कभी यदि उस तरीके की वैकेंसी आएगी तो फिर हम लोग भरेंगे। इसके बाद क्या प्रोसेस होता है यहाँ पे, जैसे रिज्यूम सबमिट हो गया उसके बाद? मैम रिज्यूम सबमिट होने के बाद फिर हम लोग को अंदर एक्सचेंज ऑफिस में बुलाया जाता है, वहाँ पे हम लोग को डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। फिलहाल तो अभी चेक नहीं हो रहा है, हम लोग को बताया जाता है कि आप कहाँ पे करना चाहते हैं, आउटसाइड झारखंड। अभी जो हम लोग अभी आमदन में हम लोग जो फेस किए तो वहाँ पे हम लोग को बोला गया कि आउटसाइड झारखंड आप लोग को जाना है। पर मैम वैसे तो सैलरी देखे तो बहुत कम है, पर मजबूरी के कारण हम लोग झारखंड से भी बाहर जाने को उतारू हैं। थैंक यू। जॉब के लिए आए हैं? जी जॉब के लिए आए हैं, चतरा जिला से। उतनी दूर से यहाँ रांची जॉब लेने? पूरा तरीके से बेरोजगार लोग हैं तो रोजगार के लिए कहीं भी जाना पड़ जाए, विदेश यात्रा भी कहीं ना करना पड़ जाए। इतना प्रॉब्लम हो गया है रोजगार? जी बहुत प्रॉब्लम। झारखंड में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी क्या कहेंगे? बेरोजगारी बढ़ी है, हेमंत सरकार भी युवा के बहुत अच्छे तरीके से चुनाव प्रसार में आश्वासन दिए थे कि हम आने वाला पीढ़ी को नई ऊर्जा की तरह तैयार करेंगे, लेकिन उस ऊर्जा देखने के लिए नहीं मिल रहा। काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं आप हेमंत सरकार से? नाराज़गी नहीं है, अभी 2 साल टाइम है, पता नहीं 2 साल में भरपूर कर सकते हैं उस ऊर्जा को। सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं? जी अभी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, प्लस में आईटीआई का भी तैयारी गया कॉलेज से कर रहा हूँ। फिर यहाँ अगर जॉब लग जाती है तब तो आपको उधर जॉब में बिजी हो जाना पड़ेगा, तो फिर कैसे करेंगे? नहीं जॉब 24 घंटा मतलब 24 आवर्स थोड़ी करवाएगा, उसका भी टाइम होगा, उसमें बाकी जो टाइम मिलेगा उसमें अपना पढ़ाई जारी रहेगी। काफ़ी संघर्ष? संघर्ष है, जीवन ही संघर्ष है। जॉब के लिए आए? Yes. कहाँ से? रांची से मैम। किस चीज़ के लिए भर रहे हैं? उषा मार्टिन डिप्लोमा सिविल इंजीनियर। क्यों प्राइवेट जॉब में क्यों आ रहे हैं? जॉब का सरकारी जॉब में वैकेंसी बहुत कम आती है इसलिए। अभी तक किस चीज़ का फॉर्म भरे थे? JCC का मैंने भरा अभी तक, और देखता हूँ क्या होता आगे। JCC का फॉर्म भरे हैं, यहाँ अगर सिलेक्शन हो जाता है फिर तो उसमें तैयारी नहीं कर पाएंगे आप, तो ऐसे कैसे प्राइवेट सरकार? किसी एक को चूज करना पड़ेगा। क्या लगता है झारखंड में बेरोजगारी है इस वजह से यहाँ युवाओं की भीड़ है या बेरोजगारी नहीं है शौक से? बेरोजगारी तो है, जब से ये क्या बोलता हूँ भाजपा की जो सरकार है तब से बेरोजगारी कुछ ज़्यादा दिखती है। सेंट्रल लेवल? हाँ सेंट्रल, स्टेट लेवल, हर जगह, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर जगह। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले रोज़गार आसानी से? हाँ पहले रोज़गार आराम से मिल जाता था, लेकिन अब नहीं, पढ़ने लिखने के बाद भी बहुत दिक्कत है। जॉब के लिए आए? हाँ। किस चीज़ में बात? 12th पास के लिए। प्राइवेट जॉब क्यों, सरकारी की तैयारी क्यों? मेरा तैयारी सरकारी का कर रहे हैं, लेकिन अभी प्राइवेट करना चाहते हैं। फिर ऐसे तो अगर जॉब लग गई उधर ये इस मेले से तो तैयारी कैसे? तैयारी मतलब जॉब के साथ साथ करेंगे, इकोनॉमिकल उतना अच्छा नहीं है इसलिए जॉब भी करना चाहते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, क्या लगता है क्यों इस तरीके से एक प्राइवेट मेल मतलब एक मेले में प्राइवेट जॉब के लिए इतनी भीड़ इतनी मांग? जी बेरोजगारी के लिए इतना भीड़, आप तो देख ही रहे हैं झारखंड में इतना बेरोजगारी है, झारखंड सरकार दे नहीं रही है नौकरी। एक्साइज कॉन्स्टेबल का कब निकाली है नोटिफिकेशन, आज से उसका रनिंग नहीं हुआ है, उसका तैयारी करके बच्चा सब मतलब हताश हो गया है, मतलब छोड़ दिया उम्मीद की दौड़ भी होगा। यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में यहाँ पे लॉगिन था तो उसी से मतलब नोटिफिकेशन आया था इसलिए आगे। बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है, मुझे यहाँ पे लोगों को देखकर ही ऐसा लग रहा है। क्यों ऐसा होता है, विवादों में लटक जाता है, क्या कहेंगे? जी क्या बोले? सारी परीक्षाएं जो भी आयोजित होती हैं विवादों में आ जाता है या कहीं ना कहीं रुक जाता है, क्यों ऐसा होता है? जी मतलब झारखंड में खास करके देखिएगा तो सेंट्रल लेवल में कभी ऐसा नहीं होता है, बाय चांस ही एक दो में हो सकता है, लेकिन झारखंड में आमतौर पे ऐसा होता है क्योंकि झारखंड के स्टूडेंट को लगता है कि यहाँ पे बेरोजगारी है और मतलब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है यहाँ पे,
ज़्यादातर देखिएगा तो बड़ा बड़ा आदमी का ही बेटा लोग का नौकरी लगता है, और हम जैसे गरीब का मतलब ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। ज़्यादा मतलब यहाँ पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और इसके लिए झारखंड सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, लेकिन झारखंड सरकार उठाता नहीं है। जॉब के लिए आए? यस मैम। कहाँ से? रांची से ही हूँ। क्यों आए इस मेले में और प्राइवेट जॉब ही? मैम प्राइवेट जॉब इसलिए क्योंकि अभी फाइनेंशियली अच्छी तरह से ठीक नहीं हूँ, तो प्राइवेट जॉब के साथ ही अभी गवर्नमेंट जॉब का भी प्रिपरेशन करना है। तैयारी कैसे करेंगे अगर जॉब? मैम जॉब के साथ साथ तैयारी करूँगा। हो जाएगी? यस मैम। झारखंड में बेरोजगारी बड़ी है, ये भीड़, इस भीड़ को देखकर? यस मैम, ऐसा तो आप भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो बेरोजगारी तो इसलिए है। यहाँ पे रिज्यूम सिलेक्ट होता है, उसके बाद क्या करना? मैम रिज्यूम सिलेक्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद सिलेक्टेड होता है। मतलब यहाँ से भी एक और प्रोसेस है? यस मैम। जॉब के लिए आए जी? प्राइवेट जॉब क्यों? क्योंकि सरकारी जॉब मिलना मुश्किल, इसीलिए प्राइवेट जॉब। कैसे मुश्किल? इतनी सारी वैकेंसीज आ रही है, इतने सारे निकाले जा रहे हैं आवेदन? निकाले जा रहे होंगे लेकिन फिर वो कैंसिल भी हो जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल है। अभी तक किस चीज़ का भरे? अभी झारखंड यही का भरे थे लेकिन वो कैंसिल हो गया सर। कैंसिल हो गया? क्यों ऐसे बेरोजगारी क्यों लग रहा है, क्यों बढ़ रहा है? पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसीलिए ज़्यादा बेरोजगारी है। क्या कहेंगे हेमंत सरकार? सरकार से तो क्या कह सकते हैं, लोगों से कहेंगे कि पॉपुलेशन कम करे और क्या। अच्छा, पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। चलिए और भी कुछ युवा हैं हमारे साथ, बात करते हैं उनसे। सब लोग जॉब के लिए आए हैं जी? मैम कहाँ से आए? खलारी से मैम। उतनी दूर से यहाँ रोजगार पहले मिलने के बारे में कैसे पता? हाँ मतलब बहुत पहले रजिस्ट्रेशन किए थे, लगभग 2016 के आसपास। इस मेले के लिए 2016? हाँ 2016 में रजिस्ट्रेशन किया था, तो बीच में हम पढ़ाई उड़ी कर रहे थे तो ध्यान उतना नहीं रहा था, तो फिर मेरा और एक बार किए थे रजिस्ट्रेशन, तो वो डेट फेल हो चुका था, तो कल परसों फिर आके किए हैं रजिस्ट्रेशन। यहाँ तो प्राइवेट जॉब लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 सैलरी होगी, तो सरकारी नौकरी की तैयारी? सरकारी का भी कर रहे हैं मैम। हाँ तो SSC का कर रहे हैं, SSC MTS फेज 10 का, और अभी हाल फिलहाल में निकला था GSSC का स्टेनोग्राफर में, उसका तैयारी कर रहे हैं। तो अगर मतलब कैसे तैयारी करेंगे अगर इधर जॉब लगे? मतलब नाइट में स्टडी करेंगे, इधर डे में तो वर्क कर लेंगे, वही नाइटे कहीं मान लीजिए। सिर्फ तैयारी ही करते, जॉब की ज़रूरत क्यों पड़े? तो मैम फाइनेंशियल इशू है, तो पहले पापा जॉब उप कर रहे थे, अभी रिटायर हो चुके हैं, अभी मुझे ही देखना होगा सब कुछ। आर्थिक स्थिति सही नहीं? सही नहीं है इसलिए। मिल जाता है? हाँ मैम मिल जाता है, मेरा हो गया था 2 बार जैसे हो गया था, तो मेरा कॉलेज था तो उस टाइम हम बीच में छोड़ दिए, कॉलेज स्टार्ट था मेरा तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसी के चलते हमको जॉब छोड़ना पड़ा। जॉब के लिए आए जी? लग मिल जाती है? पता नहीं, फर्स्ट टाइम है। प्राइवेट में क्यों, सरकारी की भी कर सकते? बिल्कुल, कब तक ट्राई करेंगे गवर्नमेंट के लिए, लास्टली पहले कर चुके? हाँ। क्या हुआ, नहीं लग? नहीं अभी तक तो फिलहाल ऐसे ही है। बहुत सारी परीक्षाएं आती है, कैंसिल हो जाती है, रिजल्ट कैंसिल हो जाते हैं, कभी कभी तो पूरी परीक्षा खत्म हो जाती है, उसके बाद पता चलता है कि विज्ञापन ही रद्द कर। JEE का एक पेपर है, JEE वाला पेपर दिया मैंने, तो वो भी पता चल रहा है लीक। बायोम, डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगर टोली रांची। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.